अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये देखें जी दोस्तों, हम ना इनका सेटअप थोड़ा सा बनाने लगे हैं कि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं बनाने लगा हूँ। ये देखें, ये ना मैंने बनाया था एक दिन इनके लिए, ये वाला सेटअप ये देखें, इनका ना मैंने पूरा अंदर घर बना दिया है। ये इसके अंदर अंडे दें, बैठें अंडों के लिए, ये इनका ना ये सेटअप बनाया था। ये देखें, ये इस तरफ जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा है, ये सेटअप ठीक है। बजाय इस तरह की कुजियाँ लें वो रखें, उनसे ये बेहतर है। अभी मैं ये जो है ना टोकरियाँ जितनी भी, इन सब के अंदर ये बनाने लगा, ताकि हमारे जो है ना सारे कबूतर इसके अंदर ही आए। और एक काम और करने लगा हूँ कि हमारा फैंसी का जो सेटअप है सारा इधर कर देने लगा हूँ, और ये वाले कबूतर जो हैं इनको भी इस तरफ करने लगा हूँ। ये वाले कबूतर जो है ना इनको इधर कर देने, और इधर से सेंटिनेंट और दूसरा जो है हमारा पहले रेड को इधर ले आना है। मेरे ख्याल में हमारा फैंसी का सेटअप जो है ना वो एक तरफ ही हो, इधर से अंडे उठा के उधर शिफ्ट करते हैं अगर कोई निकले तो उस तरह। तो मेरा तो यही ख्याल है, यही आइडिया है कि इनको ऐसे कर दें। तो आप लोगों की क्या राय है? मेरे ख्याल में ये ठीक है, और इनको मैंने खोला हुआ है लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। ये इकबाल भाई मिट्टी ले आए हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये मिट्टी ले आए हैं, इसमें हम थोड़ी सी तूड़ी डालेंगे, और तूड़ी डाल के घास डालेंगे, घास डाल के तो इसका ना प्रॉपर सेटअप बना देंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि वो सेटअप जो है वो बेहतर ही होगा। हमारा वाइट कबूतर उड़ गया था सुबह को, तो वो हमें मिला नहीं है, पता नहीं वो किधर चला गया। कट था उड़ा तो नीचे ही है, इधर खेतों में फसलों में बाहर, अभी पता कोई नहीं क्या करता है।